आजकल होने वाली शादियों में मनोरंजन के लिए म्यूजिक डांस वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है, लेकिन अब लोग इंडियन डांस पार्टीज के अलावा फॉरेन डांस ग्रुप्स को भी हायर करते हैं, जिनमें बहुत से फॉरेन डांसर्स होते हैं। लेकिन बहुत से फॉरेन आर्टिस्ट 4-6 महीने के लिए भी इन दिनों इंडिया आकर इस तरह के इवेंट में परफॉर्म करते हैं और पैसे कमाकर अपने मुल्क लौट जाते हैं। ऐसे ही एक इजिप्शियन फोक तनोरा डांसर हैं रिफत अल शईर, जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान आकर इस तरह के इवेंट्स में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल तनोरा एक अरबी शब्द है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद स्कर्ट होता है। यह मिस्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जहां डांसर अरबी गीतों की धुन पर थिरकते हैं। ये सूफी डांस से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डांसर अपने कपड़े में लाइट लगाकर डांस करते हैं, जो इनकी डांस परफॉर्मेंस को और भी खूबसूरत बना देता है। डांसर के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक की सिर्फ एक स्कर्ट का वज़न तकरीबन 15 से 20 किलो होता है, और इसी तरह इस पोशाक के कई हिस्से होते हैं जिसे एक तनोरा डांसर डांस के दौरान धीरे धीरे अलग स्टाइल में प्रदर्शित करता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों शादियों में इस तरह के डांस इवेंट्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। मिस्र के काहिरा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रिफत अल शईर अपने मुल्क में पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन एक तनोरा फोक डांस आर्टिस्ट होने के नाते इस तरह के इवेंट में परफॉर्म भी करते हैं। Maybe 20 years work for this artist. Okay. Understand? Many I have many school for this also for this work. Okay. 10-20 minutes only. 10, only for 20 minutes? Yes. Up before I take videos. I have now same event Sufi. Okay. Have some like Sufi for also for Allah. Yes. You understand?
all same I Awin, same your same sun because they exist. I bring for emotion for Allah, understand? I listen music, I listen Muhammad, Allah, like this. This form of art is similar, very similar, very close to the Sufi dance also. Sufi dance. Yes. But only my country do. Do some. Yes. This only my country can do like this. Okay. Understand? This only Egyptian. Egyptian. Yes. Egyptian.